दोस्तों, इस नए वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक सब्सक्राइबर हिमांशु ने पूछा है कि साउथ इंडिया में अगर उनको जॉब होता है तो उसके बाद वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है कि नहीं। नंबर वन क्वेश्चन। नंबर दो, ट्रेनिंग के दरमियान में लैंग्वेज ट्रेनिंग का क्या रहता है? क्योंकि वो एकदम क्लियर उन्होंने लिखा है, ये बहुत ही प्रशंसा का विषय है कि इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में होगा कि नहीं, और थर्ड, इंग्लिश या हिंदी में एग्जाम होगा, यानी ट्रेनिंग किस लैंग्वेज में होगा, एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा और लैंग्वेज की कितनी प्रॉब्लम साउथ इंडिया में होती है। चलिए इस पे जिक्र करते हैं। देखिए दोस्तों, जहां तक बात है साउथ इंडिया में रेलवे के लिए सिलेक्शन लेने पे, तो रेलवे के लिए अगर आप साउथ इंडिया में सेलेक्ट होते हैं, नो डाउट लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम किस तरह की लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, ये सोचने की बात है। लैंग्वेज की आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी अदर पर्सन से बात करने की प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज। हालांकि धीरे धीरे हिंदी को ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है और हिंदी जितना आजकल के डिजिटल युग में प्रमोट हुआ है शायद कभी हुआ होगा, और अब लोग समझने लगे हैं कई चीजों को, लेकिन स्टिल लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है साउथ इंडिया में। कई बार आप नॉर्मल काम के लिए निकलते हैं तो आपको कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आती है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, लेकिन जब आप जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी साउथ इंडिया के ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, तो ट्रेनिंग करने के दरमियान में जो आपको पढ़ाया जाता है उसके लिए मोस्टली दो लैंग्वेज प्रिफर किया जाता है। एक अच्छा ट्रेनर दो लैंग्वेज प्रिफर करता है, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि हिंदी ऑल ओवर इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है, सॉरी साउथ में नहीं बोली जाती, बुरा मत मानिएगा बट माना ऐसा ही जाता है, और इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसलिए तो एक अच्छा ट्रेनर लोकल लैंग्वेज का यूज नहीं करता, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। 90% ट्रेनर अगर साउथ के हैं तो वो साउथ के लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में वो अपनी हिंदी, जैसे भी हिंदी आती है, वो हिंदी का भी यूज करते हैं, उसके साथ साथ वो अपना लोकल लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो भी लैंग्वेज है लोकल उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ इंग्लिश का भी। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाएंगे, भले उनकी हिंदी कमजोर रहती है लेकिन वो पूरा समझाने का प्रयास करता है, और इस चीज को हर ट्रेनर अच्छे से समझाता है। और तीसरा तीसरा चीज है कि आपका एग्जाम, आप एग्जाम हिंदी या इंग्लिश में ही देंगे, लोकल लैंग्वेज में एग्जाम परमिटेड नहीं है, क्योंकि आप रेलवे में काम जब करते हैं तो केंद्र के तहत काम करते हैं, आप सेंट्रल के तहत काम करते हैं, वहां दो ही लैंग्वेज प्रिफर किया जाता है, आइदर इंग्लिश और हिंदी, आप दो भाषा में एग्जाम दे सकते हैं ट्रेनिंग के दरमियान। पढ़ाई के लिए जो आपको किताबें मिलेगी वो भी दो ही भाषा में मिलेगी, इंग्लिश या हिंदी मिलेगी, और प्रॉब्लम बस यही होगा कि आप जहां पे जॉब करिएगा साउथ में, वहां पे रहने के बाद वहां के लोकल लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए वहां की लोकल लैंग्वेज आता है तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। उसके साथ साथ वहां के खान पान अलग होते हैं, नॉर्थ के खान पान, हालांकि पूरी इंडिया एक ही है, आज साउथ का इडली डोसा नॉर्थ में मिलता है, और नॉर्थ का जो है अगर आप बात करेंगे छोले भटूरे वो साउथ में मिलता है, ये अलग बात है, ये समय के हिसाब से बदल गया है, बट स्टिल आप फेस करेंगे ये प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की, तो उसको आपको धीरे धीरे सीखना होगा। और लास्ट में एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि हम तो सोचते हैं कि पहले कहीं जॉब हो जाए, एग्जैक्टली पहले एक जॉब हो जाए, फिर एक अच्छा जॉब हो जाए, और वो जॉब अपने घर के पास हो जाए, तीन रिक्वायरमेंट के साथ एक गवर्नमेंट कर्मचारी डील करता है। तो आपको अगर जॉब हो जाता है तो उस जॉब को पहले करिए सारी चीजें। इसके साथ कई लोग ऐसे हैं जो साउथ में जाके ज्वाइन किए और ट्रांसफर का ऑप्शन आया नॉर्थ के अपने होम टाउन के लिए और वो नहीं गए, उन्होंने रिफ्यूजल दे दिया कि नहीं हम यही जॉब करेंगे, तो ये उतना मैटर नहीं करता। हाँ, स्टार्टिंग टाइम में आपकी होम सिकनेस आ सकती है, आपको प्रॉब्लम लगेगा, आपको लगेगा कि कहाँ आ गए हैं, बट आप कंफर्टेबल हो जाइएगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं, बस आपकी जीवटता की बात रहेगी। तो आप बेफिक्र होके फॉर्म भरिए, स्टिल अगर आप होम टाउन का फॉर्म भर के कम्पीट कर पाते हैं तो वो तो ऑलवेज प्रेफरेबल है, बट अगर आपको लगता है कि यहाँ सीट ज्यादा है, इस जोन से भरे तो ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस है, तो प्लीज उसके साथ जाइए, जहां आपके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है वहां के साथ जाइए, कम्पीट करिए, उसके बाद बाकी चीजें रेलवे देख लेती। प्रॉब्लम्स आते हैं तो सॉल्यूशन भी आते हैं, मेरी यही राय है, जहां आप सिलेक्ट होते हैं वहां के लिए जॉब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वीडियो बना के बताने का प्रयास जरूर करूंगा। धन्यवाद।